Hello everyone, good morning and welcome back. This is Dhirendra Kumar and just you are watching our YouTube channel English by DS. तो भाई जैसा कि कल के सेशन में ना सर हम लोग कुछ वोकैब को छोड़ दिए थे, मतलब किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, आज उन सारे वोकैब्स को ना सर कोशिश करेंगे एक एक करके करने की. ओके तो चलिए मूव करते हैं हम लोग वोकैब की ओर बिना समय गवाए और एक एक करके वो कैब को करना शुरू करते हैं. ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कल के हम लोगों ने जो लास्ट वो कैब छोड़ा था वो वर्ड था अनकेम्प्ड. अनकेम्प्ड का मतलब मैं बताया था कि अनकेम्प्ड का मतलब होता है भाई जर्जर स्थिति में, बहुत बुरे हालात में. ओके उसी को बोला था मैं द वर्स्ट. द वर्स्ट का मतलब भी होता है सर बहुत बुरे सिचुएशन में, बहुत बुरे हालात में. अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स काफ़ी इजी और बहुत अच्छे अच्छे होते हैं. जैसे देखिए डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब होता है सर बिल्कुल भी ऑर्डर में सजा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब ऑर्डर बिल्कुल इधर उधर छितराया हुआ जिसे कहते हैं. या डिसअरेंज्ड, जो सजा हुआ नहीं है. अरेंज मतलब सजा हुआ होना, डिसअरेंज्ड मतलब सजा हुआ बिल्कुल नहीं है. डिसहेवल्ड. डिसहेवल्ड, हेवल्ड का भी मतलब वही होता है, हेवल्ड का मतलब होता है व्यवस्थित, मतलब डिसहेवल्ड मतलब अव्यवस्थित. अगर कहते हैं टाइडी. टाइडी का मतलब होता है सुधरा हुआ. अनटाइडी मतलब बिल्कुल भी सुधरा हुआ नहीं होना. डिसअरेड. एरेड अरेंज जैसे वर्ड से बना है एरेड, तो डिसअरेड. डिसअरेड का मतलब होता है भाई छित्र बित्र होना. या बेड रैगल्ड बोल सकते हैं सर, इसी का एक मतलब बेड एरेड का ही एक एक्सप्रेशन हो सकता है क्या, बेड रैगल्ड. बेड रैगल्ड को हम लोग बोलते हैं रम्पल्ड. रम्पल्ड बोलना आना चाहिए, रम्पल्ड. एक वर्ड आता है मज्ड अप. मज्ड अप. और सबसे ज्यादा बस स्पोकन में बोला जाने वाला वर्ड मेज्ड अप. मेज्ड अप. ओके एक वर्ड आता है सर एट सिक्सेस एंड सेवेंस. एट सिक्सेस एंड सेवेंस. एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है मतलब बिल्कुल भी सही हालात में नहीं होना, बिल्कुल भी बुरे हालात में होना. एट सिक्सेस एंड सेवेंस का आता है. अगर आप इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में आया केम्प्ट. केम्प्ट का मतलब सुधरा हुआ हालात में, बिल्कुल सही हालात में. आप बोल सकते हैं टाइडी. टाइडी बिल्कुल सर इसका इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट वर्ड आया टाइडी. एक वर्ड आया सर मैनेज्ड. मैनेज्ड का मतलब होता है सुव्यवस्थित. एक वर्ड आता है अरेंज्ड. अरेंज्ड का भी मतलब होता है सुव्यवस्थित. इन एप्पल पाई ऑर्डर मिल बिल्कुल ठीक ठाक हालात में. ओके व्यवस्थित हालात में. जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है. ऑनिंग टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द कंट्री बिकेम डॉट डॉट. द ऑनिंग टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द कंट्री बिकेम अनकेम्प्ड. कहता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे सिस्टम में मतलब देश के सभी प्रकार के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, बिकम्स अनकेम्प्ड. अनकेम्प्ड मतलब जर्जर स्थिति में हो जाता है. आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि खाना बनाया गया था 10 को ध्यान में रख के. ओके मात्र 10 को ध्यान में रख के खाना बनाया गया था सर, और उस 10 की जगह पर कम से कम तो उस बीच में ना 100 आ जाए. अब बता सकते हैं कि भाई ना तो 10 खा पाएंगे ना 100 खा पाएंगे सही से, बिल्कुल कैसे हो जाएगा सर, अनकेम्प्ड हो जाएगा. तो अनकेम्प्ड का मतलब समझ में आया होगा कि बिल्कुल जो बुरा हालात में होता है, जो बिल्कुल भी ठीक ठाक हालात में नहीं होता उसी को बोलते हैं सर अनकेम्प्ड. तो चलिए भाई सब मूव करते हैं हम लोग अगले वर्ड्स की ओर धीरे धीरे करके. हम लोग आज के कम से कम 10 वर्ड्स करेंगे. ये फिफ्थ वर्ड था, कल हम लोग फोर्थ वर्ड करके छोड़ दिया था सर, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा वर्ड्स नहीं हो पाए थे. आज हम लोग कोशिश करते हैं पूरे के पूरे वर्ड्स कर लेने की. और भाई साहब फिर से रात 9 बजे हम लोग ऑनलाइन आएंगे सर, जिसमें कम से कम 10 वर्ड्स तो करेंगे ही करेंगे. ओके गाइस, तो अब हम लोग मूव करते हैं सर. आज का हमारा जो सिक्स्थ वर्ड्स है कुछ इस प्रकार से, TRAVAIL. ट्रैवल. ट्रैवल नहीं, ट्रैवल एक होता ना ट्रैवल. ट्रैवल नहीं बोल रहे हम, ट्रैवल. ओके ट्रैवल. ट्रैवल. ओके ट्रैवल का मतलब क्या होता है सर? ट्रैवल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दर्द होना. बहुत ज़्यादा दर्द होना. ओके जाए यहाँ पे समझिएगा, बहुत ज़्यादा दर्द. इतना दर्द, इतना दर्द कि जितना कि एक औरत को उसके प्रसव मीन्स नेटल के समय होता है सर. ओके उतना दर्द, कम से कम 20 हड्डी टूटने का बराबर का जो दर्द होता है ना उसे बोलते हैं ट्रैवल. ओके ट्रैवल बोलना आना चाहिए भाई सब, ट्रैवल.
अगर इस वर्ड को समझने के लिए हम लोग अगर यूज करें तो सबसे इजीएस्ट वर्ड मीनिंग होता है वो होता है सफरिंग। ओके गाइस, वर्ड मीनिंग जो सबसे इजीएस्ट वर्ड मीनिंग होता है सर वो होता है सफरिंग। अगर इसी को आप बोले तो लेबर पेन बोल सकते हैं, LABOR, लेबर पेन। ओके गाइस, लेबर पेन। आप लोग एक एक्सप्रेशन का रहा पर इस वर्ड को समझ सकते हैं ऐसे, डोंकी, नाम सुने होंगे डोंकी वर्क। आप लोग नाम सुने होंगे डोंकी वर्क। डोंकी वर्क का मतलब होता है भाई साहब बहुत ज्यादा दर्द सहना काम को लेकर। जब कोई बहुत ज्यादा दर्द सहता है ना किसी काम को लेकर, किसी काम को लेकर, जैसे आज आप अगर अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा दर्द सह रहे हैं, अगर आप अपने काम को लेकर आज बहुत ज्यादा दर्द सह रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं सर, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल। ओके, यू आर बियरिंग ट्रैवल, आप बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। एक वर्ड आता है सर इसी से, एक्सर्शन, EXERTATION। ओके, EXERTION, एक्सर्शन। अब बोल सकते हैं EXERTION, एक्सर्शन। एक्सर्शन का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा पेन होना, बहुत ज्यादा दर्द होना। ओके गाइस, बोलेंगे मेरे साथ एक्सर्शन, EXERTION, एक्सर्शन। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है ड्रगरी, DRUDZERY, ड्रगरी, ड्रगरी। ओके गाइस, ड्रगरी, बोलेंगे मेरे साथ में ड्रगरी। ओके, ड्रगरी, वेरी नाइस, ड्रगरी। एक वर्ड आता है सर अस्ट्रेनुअस, मेरे साथ बोलेंगे अस्ट्रेनुअस। देखिए अस्ट्रेनुअस वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकत लगाकर काम करना, STRENUOUS, अस्ट्रेनुअस वर्क। आप समझ सकते हैं अस्ट्रेनुअस, बोलेंगे मेरे साथ अस्ट्रेनुअस, अस्ट्रेनुअस वर्क। एक वर्ड आता है PARTURITION, पार्चुरिशन। पार्चुरिशन का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा दर्द बियर करना। ओके, बहुत ज्यादा दर्द बियर करना, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं हो उसे भी बर्दाश्त कर लेना, दैट्स कॉल्ड पार्चुरिशन। ओके, पार्चुरिशन। अगर इसके उल्टे वर्ड्स की बात करें, मीन्स एंटोनिम्स की बात करें, तो सबसे अगर इजिएस्ट वर्ड मीनिंग की बात करते हैं सर, तो आप बोल सकते हैं कम्फर्ट। ओके, कम्फर्ट। कम्फर्ट का मतलब होता है ऐसो आराम, मजे की जिंदगी होना, जिसमें कोई दुख दर्द नहीं हो, उसे कहते हैं कंफर्ट। कंफर्ट को आप एक और वर्ड से कह सकते हैं सर, जी रेस्ट। ओके, आप कंफर्ट को रेस्ट से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है एलिविएशन, ALEVIATION, एलिविएशन, एलिविएशन। गुड, तो कंफर्ट, रेस्ट या एलिविएशन, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। अगर बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो देखिए एग्जांपल्स काफी इजी है मेरे दोस्त, समझने लायक भी है सर। क्वेश्चन है, इफ यू क्विबल द प्रेजेंट ट्रैवल यू विल, यू आर PARRYING, पैरिंग। You are pairing the future comfort, the future comfort. चलिए सर, हम आपको इसका ना सर वर्ड समझाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, if you quibble, quibble कहते हैं, quibble का मतलब होता है भाई साहब टाल मटोल करना। ओके, टाल मटोल करना मतलब आज का काम कल पे टाल देना, that is quibble। quibble का मतलब समझ गए होंगे, quibble the present travel you are pairing the present, sorry, future comfort। pairing का मतलब क्या होता है, देखिए एक पैरी नामक वर्ड होता है, PARRY, पैरी। पैरी का मतलब होता है बचना। ओके, बचना मतलब समझते हैं ना, वंचित रह जाना। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि इफ यू क्विबल द प्रेजेंट ट्रैवल यू आर pairing द फ्यूचर कंफर्ट, मतलब अगर आप प्रेजेंट दुख दर्द या प्रेजेंट समस्याओं से ताल मटोल कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों का काम है या हम लोगों का काम है भाई पढ़ाई करना, वो भी बहुत मेहनत के साथ में, पूरा दिल तोड़ के मेहनत करना पड़ता है सर, पूरे जुनून के साथ में, नहीं कहते हैं,
यूं ही नहीं मिलती ख्वाहिशों की मंजिल, चलना भी पड़ता है अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे कहता है ना कि अगर आप प्रेजेंट ट्रैवल को क्विबल कर रहे हैं, मतलब टाल मटोल कर रहे हैं, तब आप फ्यूचर कंफर्ट से अपने आप को क्या कर रहे हैं, फेयरिंग कर रहे हैं, मतलब वंचित कर रहे हैं, मतलब आप उसको पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सब खोने के लिए कर रहे हैं। आने वाले सिचुएशन में सारे के सारे कंफर्ट्स आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो चलिए मूव करते हैं गाइस हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। आज के अगर सेवेंथ वर्ड की बात करें तो वर्ड है ACHISMATIC। आप यहाँ से समझिए अस्कीज्म, अस्कीज्म आप ना सर इसे बहुत टेढ़े लैंग्वेज में बोला जाता है, मतलब आप अगर इसका हिंदी लिख लें तो ऐसे अस्कीज्मैटिक ऐसे याद रखेंगे अस्कीज्मैटिक। रात के बहुत सारे समय हो चुके हैं अभी और मैं ये वर्ड रात में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से सर तो थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, हम आपकी बातों को समझ सकते हैं ओके, और आप हमारी भी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। कि देखिए इस वर्ड को क्या बोला जाता है, अस्कीज्मैटिक। अस्कीज्मैटिक का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा सर। अस्कीज्मैटिक का मतलब होता भाई साहब किसी के साथ में, ऐसे समझिए ना सर, अस्कीज्म का मतलब होता दरार। दरार क्या करता है, लोगों को अलग कर देता है। मान लिया जाए कि पृथ्वी में दरार आता है, मतलब मिट्टी में दरार आता है, तो दो तरीके से बांट देता है ना सर, इधर का जमीन इधर, इधर का जमीन इधर, तो इसी को बोलते हैं अस्कीज्म। तो अस्कीज्म का मतलब समझ में आ गया होगा सर, अस्कीज्म का मतलब क्या होगा, अस्कीज्मैटिक का मतलब समझते होंगे, जब दो लोगों के बीच में आपसी दरार हो जाता तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं अस्कीज्मैटिक। आप अगर इसको सिनोनिम्स की बात करें ओके, तो आप कन्फर्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे नॉन कन्फर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, मतलब वैसे लोग जो आपसी बनाव कभी नहीं रखते हैं, लोगों के बीच में हमेशा छोटी छोटी मुद्दों पर लेकर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इज कॉल्ड नॉन कॉन्फर्मिस्ट। ओके गाइस, नॉन कॉन्फर्मिस्ट एक वर्ड इसी से मिलता जुलता जो आता है उसके बारे में बताते हैं। एक वर्ड आता है जिसका नाम है RECUSANT, इसे कहते हैं रेक्यूजेंट, ऐसे रेक्यूजेंट। ओके गाइस, रेक्यूजेंट बोलेंगे मेरे साथ, रेक्यूजेंट, गुड। आप लोग नाम सुने होंगे डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े ओके, तो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्डेंट बोल सकते हैं ना सर, DANT, डिस्कॉर्डेंट, झगड़े की वस्तु, डिस्कॉर्डेंट ओके। आप इसी को बोल सकते हैं अनरियली, RULY, रियली, रियली का मतलब होता है नियम कानून के साथ में, अनरियली बेवजह, बेवजह की लड़ाइयाँ हैं, अनरियली है, कोई वजह नहीं है सर, उसी को बोलते हैं अनरियली। एक इसी से वर्ड मिलता जुलता आता है जिसे बोलते हैं DISSIDENT, डिसीडेंट, बोलेंगे सर डिसीडेंट, गुड, डिसीडेंट, कितना अच्छा वर्ड है डिसीडेंट, एक्सीडेंट नहीं डिसीडेंट। और इसी डिसीडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड आता है DESSENTING, डिसेंटिंग ओके। तो चलिए मैं एक बार सुनाता हूँ पढ़कर, इसे बोलते हैं अस्कैटिक, अस्कीज्मैटिक ओके, अस्कीज्मैटिक, अस्कीज्मैटिक बोले आगे सर, अस्कीज्मैटिक। एक बोल सकते हैं नॉन कॉन्फर्मिस्ट, नॉन कॉन्फर्मिस्ट, इसे बोलते रेक्यूजेंट, रेक्यूजेंट, डिसकॉर्डेंट, डिसकॉर्डेंट, इसे बोलते अनरियली, इसे बोलते डिसीडेंट, इसे बोलेंगे सर डिसेंटिंग। ओके गाइस, अगर बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, तो सारे के सारे क्या हैं सर, दरार पैदा करने वाले, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं एमिएबल, एमिएबल बोल सकते हैं, एमिएबल को एमिकेबल भी बोला जाता है सर, एमिकेबल। सबसे अच्छा वर्ड मीनिंग समझने के लिए फ्रेंडली बोल सकते हैं सर, फ्रेंडली, अगर वो फ्रेंडली है मतलब लॉयल है, विश्वास किया जा सकता है सर, लॉयल भी बोल सकते हैं, अफेबल भी बोल सकते हैं, AFFABLE, अफेबल, मतलब जो हमारे फेवर में हो, अफेबल, बिना कुछ, मतलब मैं जो ही बोलूँ बिना ना कहे वो काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहे, अफेबल कहलाता है, मतलब फेवर में हो जो, अफेबल। तो एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, लॉयल या अफेबल, ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स हो गए सर, इसके एंटोनिम्स वर्ड हो गए। चलिए मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर।
तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं उसको समझिएगा सर। अ डॉट डॉट पर्सन, ओके, अ डॉट डॉट पर्सन कैन नेवर गेट। समझिएगा सर, आपको यहाँ पे खुद ही भरना पड़ेगा वर्ड्स, आप खुद ही भरेंगे। देखिए क्या कहता है, ए डॉट डॉट पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, SEQUITY, अक्यूटी, अक्यूटी करवाया हुआ वर्ड है, ओके। फर्स्ट सेशन को जाकर देख लें जहाँ पे हम लोगों ने अक्यूटी के बारे में कर रखा है। देखिए क्या है, ए डॉट डॉट पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स एक्विटी। देखिए यहाँ पे ऑफ द है सर, ऑफ द, क्योंकि अगर एक के बारे में बात हो रहा होगा तो अदर्स, द अदर्स होगा। अगर एक से अधिक के बारे में बात हो रहा होगा तो यहाँ पे ना सर आप बस ऐसे लगा देंगे, OTHERS, अदर्स, ऐसे। ए डॉट डॉट पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट्स ऑफ द अदर्स एक्विटी, या ए डॉट डॉट पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स एक्विटी, मतलब किस प्रकार का आदमी नहीं ले सकता है बेनिफिट्स दूसरे के ज्ञान का, होता है ना नॉलेज, पर को इज इट, समझदारी, दूसरे के समझदारी का वो फायदा नहीं ले सकता, तो कैसा है आदमी ये, इस प्रकार का आदमी या इस प्रकार का आदमी। तो जाहिर सी बात है सर, जो फ्रेंडली होगा, जो लॉयल होगा, जो अफेबल होगा, जो अमिकेबल या अमीएबल होगा, वो तो सर इसको समझ लेगा। लेकिन जो अस्किज्मैटिक जो होते हैं, अस्किज्मैटिक जो होते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों का ना सर कभी समझदारी का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग क्या भरेंगे, ए अस्किज्मैटिक नॉन कॉन्फर्मिस्ट रेक्यूजेंट डिस्कॉर्डेंट अनड्यूली डिसिडेंट या डिसेंटिंग पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स एक्विटी। तो चलिए सर, आज के मूव, सॉरी, सेवेंथ वर्ड कंप्लीट हुए आज के हमारे। मूव करते हैं सर एट्थ वर्ड की ओर, मूव करते हैं आज के हम लोग सेवेंथ वर्ड, सॉरी एट्थ वर्ड की ओर। और आज का हमारा, अगर एट्थ वर्ड की नाम सुने सर, तो आज का हमारा एट्थ वर्ड है रैवरी। बोलेंगे मेरे साथ रैवरी, ओके, RE VER IE, रैवरी। ये रैवरी क्या होता है सर, रॉबरी नहीं भाई साहब, रॉबरी का मतलब होता है डकैती, दिन दहाड़े जो लूटपाट होते हैं ना उसे रॉबरी कहते हैं। यहाँ पे ना सर रैवरी है, रैवरी हिंदी लिख लेंगे ऐसे, रैवरी, रैवरी, रैवरी का मतलब क्या होता है, तो रैवरी का मतलब होता है वो जो डे ड्रीमिंग नहीं होते हैं, डे ड्रीमिंग का मतलब समझ में आता होगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो काफी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, ओके, ख्याली पलाव बनाना, हवाई महल बनाना, ओके, सपना देखना, वो भी कैसे, बिल्कुल जैसे सोए हुए सपना देख रहे होते हैं ना वैसे, डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं वो, बोल सकते हैं सर डे, DREAMING, डे ड्रीमिंग, या पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम कह सकते हैं आप इसे, डे ड्रीम या पाइप ड्रीम कह सकते हैं आप। यहाँ से एक वर्ड आता है जो सबसे झक्कास बोले हो तो उसे, तो CHIMERA, पता है इसका, सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन ही बहुत सारे होते हैं जो गलती करते हैं, CHIMERA, पता है इसे क्या पढ़ते हैं, किमीरा, जबकि किमीरा इसका इसका प्रोनाउंसिएशन किमीरा नहीं होता सर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है किमीर, की मीर, ओके, किमीर, किमीर का मतलब होता है भाई साहब जो ख्याली पनाह बना रहे होते हैं, जिनके सपने में दम नहीं होते हैं, और अगर सपने होते हैं तो बस सपने देख रखे होते हैं, सपनों के लिए कुछ कर नहीं रहे होते हैं, दैट इज किमीर, ओके गाइस। आप इसी को ना सर एक ऐसे बोल सकते हैं, फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज के मतलब समझते होंगे स्वर्ग, ओके, किसका, तो मूर्खों का स्वर्ग होता है ना, 10 झुंड में बैठ जाएंगे आपस में, मेरे तो ये हैं, ये हैं, ये हवा पानी मारे जा रहे हो, मतलब कि वहां पे बुलशिट जितने भी करते हैं ना सर, बैंग जितने भी हवा पानी मार रहे होते हैं, दैट्स फुल पैराडाइज, उन लोगों के जो समूह होता है ना उसी को कहा जाता है फुल्स पैराडाइज, सारे के सारे बस किमीर कर रहे होते हैं, ख्याली पलाव बना रहे होते हैं। एक वर्ड आता है MIRAZE, इसे कहते हैं मिराज, ओके,
बहुत सारे इसको बहुत तरीके से बोलते हैं, मिगैरे मिगैरे ऐसे कुछ करके बोलते रहते हैं, जबकि इसका बर्ड मीनिंग का स्पेशल, सॉरी मतलब जो होता है ना ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन उसका होता है मिराज, MIRAZE, मिराज। ओके, मिराज का भी मतलब होता है सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना। अगर हम लोग बात करते इसके एंटोनिम्स की, तो इसके एंटोनिम्स काफ़ी अच्छे हैं ख्याली पुलाव से। तो रियलिटी, रियलिटी मतलब वास्तविकता, वो ना सर सपना है, एक प्रकार का सपना ही तो है, आप ऐसे याद रखें, एक प्रकार का सपना ही तो है। रेवरी, रेवरी मीन्स एक प्रकार का ख्वाब ही तो है, कैसा, जो खुली आंखों से देखा जा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर, रियलिटी कह सकते हैं या ऑथेंटिसिटी कह सकते हैं, AUTHENTICITY, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक नहीं होता ऑथेंटिक, ऑथेंटिक नामक से वर्ड से बना, देखिए सर AUTHENTIC, ऑथेंटिक, उसमें क्या जोड़ा ITY, ऑथेंटिसिटी बन गया सर, ऑथेंटिसिटी मतलब रियलिटी, ऑथेंटिसिटी से रियलिटी। आगे देखिए क्या कहता है, अगर हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर, एग्जाम्पल्स काफ़ी इजी है भाई मेरे, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कैसे, अगर बात करें, नो डॉट डॉट कैन गिव यू प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC, प्रैग्मेटिक रिजल्ट। अब प्रैग्मेटिक का मतलब समझ सकते हैं, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल, कोई भी रेबरी नहीं देख सकता आपको व्यवहारिक परिणाम, कौन सा सर, तो रेबरी, डे ड्रीमिंग, पाइप ड्रीम, क्रीमीरा, फूल्स पैराडाइज या मिराज आपको नहीं दे सकता है क्या, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं दे सकता, उसके लिए आपको काम करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या भरेंगे भाई, रियलिटी भरेंगे या रेबरी भरेंगे, तो जाहिर सी बात है सर रेबरी भरेंगे, क्यों, क्योंकि रियलिटी तो दे, रियलिटी तो हमें दे ही सकता है सर, प्रैक्टिकल रिजल्ट तो हमें रियलिटी दे ही सकता है, ऑथेंटिसिटी तो दे ही सकता है, नहीं दे सकता है तो रेवरी, रेवरी हमें कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं दे सकता सर। तो चलिए मूव करते हैं आज के हम लोग नाइन्थ वर्ड की ओर, नाइन्थ वर्ड्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो नाइन्थ वर्ड है सर, और आज का हमारा नाइन्थ वर्ड भी काफ़ी अच्छा है, देखिए क्या है, मिनाइट ट्री, MINATORY, मिनाट्री। मिनाट्री का मतलब होता है धमकी से भरा हुआ, कभी नहीं होता हम लोग कभी कभी ना सर किसी को धमकी भरे लफ्ज दे देते हैं, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दैट इज मिनाट्री, उसी को कहा जाता है मिनाट्री। अगर बात करके देखिए इसके सिनोनिम्स की, तो देखिए एक वर्ड आता है थ्रेट, THREAT, एक आता है थ्रेटन, ING जोड़ दीजिए सर, थ्रेटनिंग बन गया मिनाट्री का सिनोनिम, कितना इजी है ना सर, मिनाट्री मीन्स थ्रेटनिंग। ओके गाइस, मूव करते इसके सेकंड वर्ड की ओर, अगर आप लोग इसको थ्रेटनिंग कह सकते तो लॉरी के नाम सुने होंगे, LAWRY, लॉरी। ओके, LAWERY, लाउरी। ओके, लाउरी, देखिए AOWERY, लाउरी। एक वर्ड आता है मिनासियस, मीना CIOUS, मिनासियस। मिनासियस का भी मतलब होता है भाई धमकी भरे शब्द, मीन नहीं ऐसे समझिए ना सर, मीन, मीन का मतलब होता है घटिया, घटिया किस्म के, तो मिनासियस मतलब भी बहुत ही खतरे, खराब से, तो मिनासियस बन सकता है सर इसके सिनोनिम। एक वर्ड आता है BATHE, बात, बाथेटिक के नाम सुने होंगे, ITIC। ओके, बाथेटिक बोलते हैं ना सर, BATHETIC, TIC, बाथेटिक। बाथेटिक का भी मतलब होता है धमकी भरे। ओके, धमकी भरे। अगर बात करते हैं इसके एंटोनिम्स के, तो सारे के सारे एक प्रकार से क्या थे, तो दूर करने वाली नीति थी। ओके, तो आप इसे कह सकते हैं जॉबियल। ओके, जॉबियल काफी अच्छा वर्ड होता है, जॉबियल। जॉबियल को आप फ्रेंडली भी बोल सकते हैं सर, फ्रेंडली। ओके, अगर बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल्स सोचिए जरा, देखिए एक वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं, आप लोग नाम सुनेंगे, FACETIOUS, फेसियस। रिमार्क्स, कैन
also be dot dot for, आप लोग नाम सुने हुए एक वर्ड का, वर्ड है सर ioris, for an e-e-y-o ioris, ioris का मतलब समझाते हैं हम आपको, ioris का मतलब क्या होता है, देखिए वर्ड काफ़ी अच्छा है ioris, जो बंदे होते हैं ना सस्ते आसिक टाइप के, वो क्या करते हैं सैड होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं अपनी ज़िंदगी से, आई हेट माई सेल्फ, इधर काट लेंगे कभी इधर काट लेंगे, ओके उस प्रकार के लोंडो को ना सर बोलते हैं ioris, ioris का मतलब समझ गए होंगे सैड टाइप, ओके जो सैड टाइप के लोग होते हैं ना बहुत उदास, बहुत ज़्यादा उदास, थोड़ा मोड़ा नहीं सर, बहुत ज़्यादा उदास लगता है कि जैसे दुनिया में सारी चीज़ें इनके लिए ख़त्म हो गई हैं, उस प्रकार के बच्चों को या उस प्रकार के बंदों को क्या कहते हैं ioris पर्सन कहते हैं सर, जो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ओके तो क्या कहता है फेसियस, फेसियस का मतलब होता है सर फनी, फनी का मतलब समझते होंगे मजाक किया, ओके रिमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणी, तो फनी टिप्पणी हो सकती है डॉट डॉट फॉर एन ioris पर्सन, सैड पर्सन के लिए क्या हो सकती है मिनाट्री हो सकती है, मिनाट्री मतलब धमकी भर देंगे यू आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे लोग, अगर आप ना किसी वैसे इंसान से जो हमेशा सैड सैड रहता है गुस्सैल टाइप के लोग होते हैं उनसे अगर मजाक कर लीजिएगा ना तो मजाक में उनको धमकी भरे शब्द लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, तो वैसे ही वाले शब्द को यहाँ पे हम लोग भरेंगे क्या, फैसियस रिमार्क्स कैन बी मिनाट्री फॉर एन ioris पर्सन, थ्रेटनिंग फॉर एन ioris पर्सन, लवरी फॉर एन ioris पर्सन, मिनासियस फॉर एन ioris पर्सन और बथेटिक फॉर एन ioris पर्सन, तो भाई मूव करते हैं अब हम लोग टेंथ वर्ड की ओर, अगर आप देख पा रहे होंगे टेंथ वर्ड तो मैं सारा का सारा वर्ड्स लिख रखा हूँ यहाँ पे, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ सर, ओके और भाई साहब इसी वर्ड्स के साथ में आज के सेशन को एंड करेंगे, इसके पहले मैं सुनाया ना सर ioris, ओके ioris का मतलब क्या होता है, तो ioris का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, दैट्स इट सैड, यहाँ पे तो सैड तो एक नॉर्मल वर्ड मीनिंग हो गया ना सर, ioris का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना, दैट्स इट सैड, यहाँ पे एक वर्ड आया सीरियस, सीरियस का भी मतलब होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, सॉम्बर यहाँ से वर्ड मीनिंग याद करने लायक है, सैड सीरियस तो सभी को याद होते हैं सर, यहाँ से याद कीजिए सॉम्बर, सॉलम इसे कहते हैं सॉलम ऐसे सॉलम, ओके बहुत सारे इसे ना ऐसे कहेंगे सोलमैन कहेंगे बहुत तरीके से कहेंगे, हम लोग इसे सॉलम कहेंगे सर सॉलम, एक आता वर्ड वो बी गोनर, ओके वो बी गॉन, वो बी गॉन, वो बी गॉन, ओके गाइस एक आता फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न, एक होता लैगुबरियस, लैगुबरियस डोलफुल, आप लोग बोले डोलफुल, एक वर्ड आता है सर डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट, एक वर्ड आता ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता यूँ उलझा उलझा सा होना ग्लूमी, ओके सैचुरिन, सैचुरिन कहते हैं इसे सैचुरिन, ओके सैचुरिन, एक वर्ड आता है अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हैप्पी, अभी अभी तो कुछ देर पहले पढ़ा था हैप्पी, इसे मैरी भी बोल सकते हैं सर, हैप्पी गो लक्की वही बिंदास आदमी, इसे बोल सकते हैं चीयरफुल, चीयरफुल मतलब एकदम मजे से मस्त मौला है वो, इफरवेसेंट, इफरवेसेंट का मतलब जिससे किसी टेंशन वेंशन ना हो, इफरवेसेंट मजे से ज़िंदगी जीता हो, तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स क्या है सर द मूवी गोट एन डॉट डॉट कॉमेंसमेंट, कॉमेंसमेंट बट द डिनोमेंट वॉज डॉट डॉट, भाई मेरे कॉमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट, याद रखिएगा सर, स्टार्ट को ऑनसेट भी कह सकते हैं आप, ऑनसेट या स्टार्ट, और यहाँ पे जो लिखा ना डिनोमेंट, डिनोमेंट को आप एंडिंग कह सकते हैं सर, एंडिंग, ओके एंडिंग, द मूवी गोट एंड डॉट डॉट एट स्टार्ट बट द एंडिंग वॉज डॉट डॉट, मतलब कैसे था उसका शुरुआत तो बहुत अच्छा था लेकिन अंत बहुत बुरा था, बहुत उदास था, मतलब होता ना हीरो वीरो मर जाना या एक्ट्रेस वगैरह की डेड वगैरह हो जाना, या तो फिर मतलब रिवेंज तो लेना चाहता था, रिवेंज तो लेना चाहता था ले नहीं पाया, वैसे सिचुएशन को ही कहते हैं सर कि एंडिंग तो बहुत ख़तरनाक था यार, बहुत उदास था, मतलब एकदम बिल्कुल शोक से भरा हुआ था, तो वैसे ही बोलते हैं यहाँ वैसे द मूवी गोट एन हैप्पी कमेंसमेंट, मेरी कॉमेंसमेंट, हैप्पी वो लकी कॉमेंसमेंट, चीयरफुल कॉमेंसमेंट या इफरवेसेंट कॉमेंसमेंट, बट द डिनोमेंट वॉज ioris, सीरियस, सोम्बर, सोलम्बर्ग, वो बी गॉन, इसे वो बी गॉन कहते हैं, वो बी गॉन, फॉरलॉर्न,
लैगुबर्डियस, डोलफुल, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी या सैचुरेन। गाइस डन, तो आज के कंप्लीट किया हम लोगों ने 10th वर्ड। आज रात मीन्स आज रात हम लोग करेंगे सर 10th वर्ड फिर से, मतलब कल की रात हम लोग फिर से करेंगे 10th वर्ड और कोशिश करेंगे कि एक साथ में किया जाए। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, चीज़ों को सीखेंगे भी। तो चलिए भाई साहब, हम आपके लिए जब इतना मेहनत करते तो आप भी हमारे थोड़ा सा मेहनत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।